मैं हूँ विनीता, आप देख रहे हैं बींग पॉजिटिव विद विनीता। मैं आपको कहना चाहूंगी अर्न टू गिव, मतलब हम कमाएं और उसे बांटें, ना कि कमाएं और अपनी तिजोरियों में बंद करते रहें, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहें, क्या फायदा है। क्योंकि हम कमाएंगे, दाएं से कमाएंगे, बाएं से बांटेंगे, तो जितना कमाएंगे उससे कई गुना अगली बार कमाई होगी। क्योंकि देखा, कई बार हमने सुना है कि भिखारी भी होता है, पूरी जिंदगी एक एक दो दो रुपए ऐसे हर एक के आगे हाथ फैलाता रहता है और मरने के बाद उसकी झोपड़ी में ढेरों सिक्के मिलते हैं। ऐसी कमाई का क्या फायदा। हम कमाएं और दोनों हाथों से लुटाएं तो परमात्मा हमें हमारे ऊपर बरसात करता है धन की और खुशियों की। आज मैं कैलिफोर्निया के आपको सैम का उदाहरण देना चाहूंगी कि जो आज FTX कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, बिटकॉइन का जो बिजनेस शुरू करा। धीरे धीरे वो इतने 29 साल की उम्र में शुरू करा था, 30 साल की उम्र होते होते वो मतलब सबसे छोटी उम्र के सबसे बड़े रईस व्यक्तियों में उनकी नाम आने लगा। लेकिन आप देखिए, आज भी वो एक नॉर्मल सी टोयोटा गाड़ी में घूम रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी कोई महंगी गाड़ियां नहीं है। अपने चंद 10-12 दोस्तों के साथ एक मकान में रह रहे हैं, ना कोई बड़ी आलीशान वो कोठी है। बस वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पशुओं पे, जो बीमार पशु पक्षी होती उनकी सहायता कर दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, गरीब बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो कि झोपड़ियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं रोज का 1 करोड़ रुपए बांटूंगा। देखिए, पहले उन्होंने रोज का, डेली का, ध्यान दीजिए, 1 करोड़ रुपए बांटना शुरू करा। फिर परमात्मा की कृपा से उनके पास धन बढ़ना शुरू हुआ, तो उन्होंने 12 करोड़ बांटना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ये संकल्प कराया वे आने वाले 10 साल तक करीबन 40 करोड़ रुपए वो बांट डालेंगे। आप ये देखिए, कोई सोच भी सकता है, आज उनके पास आ रहा है तभी वो बांट रहे हैं। मतलब गिव एंड टेक वाली बात है, हम आगे देंगे तो वो आदित्य शक्ति जो है, वो जो लाइट है जो ऊपर बैठी है, वो हमें दे रही है। इसलिए अर्न टू गिव, मतलब खाली जोड़ने का ना सोचें, आगे बांटने का भी सोचें, गरीबों की सहायता करें। ये जो मूक जो जानवर होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनका ज्यादा से ज्यादा हम सहायता करें तो परमात्मा हमारी सुनेंगे। मैं चीज कंक्लूजन में ऐड करना चाहूंगा, आप सब अभी एक शार्क टैंक इंडिया आ रहा है, उसके अंदर ऐसे काइंड ऑफ ऐसे कंपनीज होती है, वो इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो ना बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसके अंदर ना इनडायरेक्टली बताया गया था सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस, एक दो चीजें इस वीडियो में भी बताई गई है, मैं सबको कंक्लूजन डाल दूंगा। तो सबसे पहली बात, अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा। एक ही सिंपल सा सीक्रेट और कॉन्सेप्ट बोलो, कुछ भी बोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। और मैं ना एक चीज बोलना चाहूंगा, उन्होंने लूप होल ढूंढा बिटकॉइन के अंदर, की काइंड ऑफ जापान और अमेरिका के बीच में जो अमेरिका के अंदर $10,000 का है, वो जापान में $11,000 का है। वो लूप होल ढूंढ के उन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, एंड उन्हें पता था, उन्होंने सिर्फ वीकेंड में काम करके इतना बड़े बन गए कि किसी ने सोची ना होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बेटा वो मार्क्स जैकोबर के बारे में बताते हो मुझे? या तो इसको भी मैं ऐड ऑन करूंगा। मार्क्स के बिना वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पायरेसी और कमाने पे ध्यान दिया, उन्होंने सिर्फ कमाने और पायरेसी पे ध्यान दिया। लेकिन आज आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किसने असली कमाई करी। सैम जो FTX कंपनी को ओन करते हैं, उन्होंने ज्यादा अंदर मतलब गॉड के पास जाने की करी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड मोर टू गिव अदर्स। Bye-bye. Fearless.